हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाले माय होम। मैं हूं आपकी दोस्त उत्रा। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूं कि वेजिटेबल दम बिरयानी हम घर पे कैसे बनाएं। लॉकडाउन का टाइम है, हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो हम घर पे ही वेजिटेबल दम बिरयानी बनाएंगे। उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मैंने पहले ही से प्रिपरेशन कर रखी है। ये मैंने इंडिया गेट बासमती राइस लिया हुआ है, जो 1 कप थे उसे मैंने 80% बॉयल कर लिया है। ये वेजिटेबल्स हैं आलू, फूलगोभी और गाजर लिया है मैंने, इसको भी मैंने बॉयल कर लिया 80%। आप मटर वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, जो वेजिटेबल्स आप खाना चाहें। ये मैंने सोयाबीन की बड़ी ली हुई है, इसको भी मैंने पानी में भिगो दिया था, उसको अच्छे से वॉश करके फ्राई कर लिया है। ये मैंने 2 प्याज लिए हुए हैं, उसे भी मैंने अच्छे से स्लाइस करके फ्राई कर लिए हैं, ब्राउन कर लिए हैं। ये मैंने 2 टेबल स्पून दही लिया हुआ है, उसको मैंने ले लिया है। इसके अलावा हमने जो लिया हुआ है अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हुआ है। तो अभी अदरक लहसुन का पेस्ट प्रिपेयर नहीं है, हम दही पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। तो जो दही लिया हुआ है उसमें मैंने 2-3 लौंग डाली है, और उसमें डालेंगे ये जो हमने प्याज, जो ऑनियन हमने फ्राई करी थी, तो वो थोड़ी सी ऑनियन लेके हम दही में मिक्स कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा दही भी रेडी हो जाएगा। अगर हम पहले से सब तैयार कर लेते हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता बिरयानी बनाने में। अब अदरक लहसुन का पेस्ट है जो, उसको हम तैयार करते हैं, वो आपको शेयर करते हैं कि कैसे तैयार करना है। तो ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 टेबल स्पून ऑयल में अच्छे से उसको ब्राउन फ्राई कर लेना है। इसके बाद हम इसमें जो मसाले ऐड करेंगे वो है धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा शाही मसाला है, शाही किचन किंग मसाला, और जीरा पाउडर। ये डाल के उसे, और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे अच्छे से पका लेंगे। तो ये हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी रेडी हो गया है। तो इस तरीके से हम इसे रेडी कर लेंगे। तो जब ये सब इंग्रेडिएंट्स रेडी रहते हैं ना, तो बहुत जल्दी बिरयानी बन जाती है। तो अब हम बिरयानी बनाना स्टार्ट करेंगे। ये है बिरयानी मसाला और थोड़ा सा नमक। बिरयानी बनाने जिसमें भी आप बनाना चाह रहे हैं, मैंने कुकर लिया हुआ है, उसमें मैंने देसी घी डाला हुआ है। आप देसी घी या ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। उसे मैंने कुकर में अच्छे से फैला लिया है जिससे चिपकेगी नहीं। ये जो दही और ओनियन का पेस्ट तैयार किया था वो लिया है, जो अदरक लहसुन का पेस्ट अभी हमने जो रेडी किया वो लिया है, दोनों को अच्छे से डाल दिया। अब हम इसमें डाल देंगे जो बॉइल्ड वेजिटेबल्स हैं, इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे जिसमें से मसाले मिल जाएंगे। और हाँ, इसमें हमने आधा कप पानी भी ऐड किया हुआ है। तो ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो आपको दिख रहा होगा। इसमें हम मसाला डालेंगे, बिरयानी मसाला और नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें डालना है और अच्छे से मिक्स करना है। इसको मिक्स करने के बाद में मैंने इसमें सोयाबीन की बड़ी भी ऐड कर दी है, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से दही वगैरह जो सब्जियों में सब अच्छे से लग चुका है। अब हम इसमें 1 लेयर चावल की फैला देंगे। तो देखिए मैंने चावल की लेयर भी अच्छे से फैला दी है। इसमें मैं डालूंगी जो मैंने ऑनियन फ्राई किया था ब्राउन कलर का, उसे भी फैला दिया है। अब आप इसके ऊपर चाहें तो केसर जो रहती है उसका मतलब यूज़ कर सकते हैं एसेंस, अगर नहीं है तो आप घी भी फैला सकते हैं। तो ये मैंने घी लिया हुआ है, उसमें हल्का सा चुटकी भर हल्दी डाल दिया था। आप चाहें तो फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कुछ पुदीना की पत्तियाँ भी उसमें अच्छे से फैला दी हैं। तो ये हमारे बिरयानी के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, जो हम आटा मारते हैं उस आटे को लेंगे और उसको कुकर के चारों तरफ लगा देंगे। तो ये देखिए हमारा आटा भी बिल्कुल रेडी है, उसमें मैंने लगा दिया है, गैस ऑन कर ली है मैंने। इसको मैं कुकर को गैस के ऊपर रख दूंगी और इसको एक प्लेट से अच्छे से कवर कर दूंगी जिससे स्टीम बाहर नहीं आए, और इसे 15 मिनट तक गैस पर ऐसे ही धीमी आँच में पकने दूंगी। तो ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है, धीमी आंच पे मैंने रख दिया है। अभी से मैं 15 मिनट बाद ओपन करूँगी। तो ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट के बाद मैंने गैस बंद कर दी थी। तो ये देखिए कितनी अच्छी हमारी दम बिरयानी बिल्कुल घर पे रेडी हो गई है, कहीं से भी ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरीके से आप भी घर पर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस जो वेज बिरयानी है इसे आप दही पुदीने की चटनी के साथ खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।